हाय गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड अभी हम निकलेंगे इस शिवखोड़ी के लिए। हमारा भैरवनाथ का जो यात्रा था वो तो इनकम्प्लीट रह गया था बिकॉज ऑफ द इनकन्वीनियंसेस जो हमारे साथ हुए, जो कि आपको पहले पता लग गया होगा। तो आज हम सुबह सुबह, हमने कल रात में प्लान बनाया, होटल आकर हम सो गए थे एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी विल गो टू शिवखोड़ी टुडे। एंड आज हमारी इवनिंग में बस भी है तो हम होपफुली शिवखोड़ी जल्दी टाइम पर कवर करके आ जाए, बस हमारी बुरी किस्मत में बीच में ना आए। तो हम सब ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं एंड 5-10 मिनट्स में हम निकल जाएंगे यहाँ से, होटल से चेकआउट करके। तो चलो चलते हैं एंड वहाँ के नज़ारे में आपको साथ साथ दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज माय लुक फॉर द डे। आज मैंने ये क्यूट सा थोड़ा सा पिंटरेस्ट टाइप वाला स्वेटर पहना है जो कि मैंने सरोजनी से लिया था एंड वाइट शूज, ब्लू जीन्स एंड दैट्स इट। दिस इज माई लुक गाइस। अभी 6:15 हो रहे हैं और हम सब निकल चुके हैं शिवखोड़ी की तरफ अपने होटल से चेकआउट करके। बैग वगैरह हमने वहीं छोड़ दिया है, हमने बस एक छोटा बैग लिया है जिसमें अपने इंपॉर्टेंट स्टफ्स रखे हैं। वो रही हमारी गाड़ी जिससे हम जा रहे हैं, इट्स अ 7-सीटर कार जिससे हम जाएंगे। एंड अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 6 बजे, चलो चलते हैं। गाइस अभी हम सब चेकिंग पे रुके हैं और सबकी फटी हुई है क्योंकि शिवखोड़ी के रास्ते में जून के टाइम पर थोड़ा अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो जिसकी वजह से हम सब थोड़ा डरे हुए हैं। और यहाँ पे चेकिंग वगैरह चल रही है हमारे ड्राइवर की, पता नहीं क्या चल रहा है, हमें डर लग रहा है, बट चलो देखते हैं क्या होगा। अच्छा कुछ तो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट। हाँ मतलब वो शायद उनकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, होपफुली सब सही होगा। जय माता दी, जय भोले बाबा, हनुमान जी की जय हो। गाइस हेलो, से हेलो। तो हम लोग पहुंच गए हैं शिवखोड़ी। अभी यहाँ से हमें जाना है वहाँ पे एंट्री वगैरह करने। एक बार उल्टी कर चुका है गाइस, और कुछ लोगों की हालत पहले से खराब है, मेरी नहीं, कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है ऑलरेडी। एंड गाइस ये लोग मनाली जाने वाले थे, इनके इतने में फट गई है यहाँ पे, जबकि प्लेन रास्ता था, थोड़ा थोड़ा कर था, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा ही कर था, इसको बहुत थोड़ा बोलते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था 20 ऑन माय कर्व्स, ऑन योर कर्व्स, उसके कर्व्स पे स्मूथ रहो गाइस। यार यहाँ पे मैगी वैगी मिल रहा है खाना, मैगी मैगी ब्रो, कल इतनी टेस्टी मैगी खाई थी इस लड़के ने, क्या इसको मैगी खाने का मन नहीं करेगा, अब नहीं बोलेगी मैगी खाने के लिए भाई। गाइस हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और हमने अपने लिए आज थोड़ा अलग सोचा है क्योंकि कल हमारी चल चल की हालत खराब हो गई थी। अब हम सब, हाँ हम सब लंगड़े हो चुके हैं तो हम घोड़े से जाएंगे, और वैसे घोड़े से जाना इज इटसेल्फ एन एडवेंचर, तो चलो देखते हैं, काफी मजा आएगा। इसकी पहले ही फटी हुई है, बाय 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 बाय। गाइस ये है हमारे घोड़े जिनके ऊपर अभी हम जाने वाले हैं, और ये तगड़ा है, इस तगड़े के भैया, इस तगड़े पे मुझे बैठना है। हाँ नहीं ये तगड़ा है, घास खाता है इसलिए बोल रहे। घोड़ा घोड़ा घास खाता है, चना खाता है, भूख लग गया था, खाया फिर चला, खाया नहीं था, पानी पिया था। गाइस यहाँ से एंट्री है आपके शिवखोड़ी के गुफा की, यहाँ पे आपको अपनी यात्रा पर्ची कटवानी पड़ेगी जैसे हमने वहाँ पे कटवाई थी, एंड उसके बाद हम अंदर जाएंगे अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो चलो साथ में चलते हैं। हे सिस्टर, ये है एंट्री।
यहाँ पर है शिवखोड़ी का श्राइन बोर्ड, जहाँ से आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो आप पहले यहाँ के कार्ड बनवाकर फिर आप अंदर वहाँ से एंट्री करके जा सकते हो। भाई सब अपने घोड़े पर बैठ चुकी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो कोई नहीं चलते हैं। रुचि चलो गाइस हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। गाइस अपने नजारे देखो कितने सुंदर हैं, पहाड़ नीचे। भाई कौन सी नदी है? शिव गंगा, गाइस ये जो पर्वत है आप देख सकते हो इसको गणेश मुख पर्वत बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आगे का फेस है वो थोड़ा सा गणेश जी से सिमिलर है। यहाँ पर देख लो आप नजारे कितने सुंदर है। आपको इस तरीके से बहुत सारे शॉप्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, आप देख लो रास्ता। भैया इसको पकड़ो, वो कॉर्नर में क्यों लेकर जा रहा है? गाइस हम लोग टॉप पर पहुंच भी गए हैं, बट अभी हम एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज हमारे जो साथ वाले लोग हैं जो पैदल आ रहे हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, उनको भी 2 किलोमीटर लगेगा, बट हम तो 45 मिनट्स में ऊपर पहुंच गए। तो बस वो आ जाते हैं फिर अपना सामान वामान जमा करा के, बिकॉज यहाँ पर आपको बैग फ़ोन वगैरह सब कुछ क्लॉक रूम में सबमिट कराना पड़ता है बिफोर एंटरिंग द केव। तो बस हम वो जमा करा देंगे। ऑल्सो आप यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब ले सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है ऊपर चढ़ाने के लिए। तो उन लोगों को आ जाने दो फिर हम एंट्री करते हैं। और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पर घोड़े का प्राइस एक ही है फिक्स 500 फॉर अप एंड डाउन, तो अगर आपको घोड़ा लेना हो तो आप ले सकते हैं। सो गाइज हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं शिवखोड़ी में, तो यहाँ पर कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। गुफा जो थी वो काफ़ी संकरी थी, तो जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं वो तो डेफिनेटली पुरानी वाली गुफा से रह जाए, क्योंकि उसमें रास्ता काफ़ी भयंकर था, थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। तो जिनको दिक्कत नहीं है वो जा सकते, पर जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो ना जाएं, आई विल सजेस्ट दैट, क्योंकि दूसरा रास्ता भी आप उससे जा सकते हो और ऊपर जाके शिवलिंग है सब कुछ है, तो आप आराम से बैठ सकते हो। लोग अपने घोड़े पर बैठ चुके हैं वापस दर्शन करके जाने के लिए। चलो गाइस हमारे जाने का टाइम हो गया है, घोड़ी आजे अग्रणो रखो अग्रणो अग्रणो गाइस हम दर्शन करके वापस आ गए, ये उतरना है गाइस। मस्त खा पीकर पकौड़े दबाकर अब हम चल रहे हैं वापस वहीं जहाँ हमने स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ जाके हम कुछ खाएंगे पियेंगे फिर हम वापस निकल जाएंगे कटरा की तरफ। कटरा बस स्टैंड से हमारी शाम की बस है, चल चलते हैं। सो गाइस हम बैठ चुके हैं खाने पीने के लिए, कुछ खा लेते हैं फिर यहाँ से हम निकलेंगे वापस से कटरा बस स्टैंड है बस स्टैंड की तरफ, जो कि यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर है। चलो खा पी के मिलते हैं। गाइस सुबह से दूसरी बार ये लोग मैगी खा रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा अच्छी लगी है मैगी। मिट्टी बचपन से वही नाम है करता। हमारा दो नाम कौन कौन सा है? सलोनी का मुझे चुगी गारंटी है। सलोनी है, अच्छा नाम नहीं है। मैं भी तो सांस फूल रहा हूँ। क्या क्या
बाद हम वापस आ गए कटरा और अब हमारी बस है यहाँ से शाम के 5 बजे। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं, तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। तो हम यहाँ का आसपास का मार्केट जो है एक्सप्लोर करेंगे। हम जो कल रात में प्रसाद वगैरह नहीं ले पाए थे वो लेंगे, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कनेक्ट करेंगे अगर कुछ पसंद आए तो। बाकी चलते हैं एंड आप एक बार लास्ट बार माता रानी के दर्शन कर लो जो यहाँ से दिख रहा है। चलो अब इस प्लेस को बाय बाय बोल के जाने का टाइम आ गया है। पे इंया पे दे बाड़ी बुड़ी और लगी होने 7-8 किलो होने जरूर। ते जेड़े लाए दा लाए माऊ दी ने 20 पैसे 50 किलो बीज आने। ऐसे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहां पर आपको इजीली कम प्राइसेस में ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे यहां पे। एंड प्रसाद के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहां पर, देखो आपको सारी पूजा वाली चीज़ें, प्रसाद वाली चीज़ें। और इस साइड आपको सारा ढाबा वगैरह मिल जाएगा। इन ढाबाओं में ना प्रॉपर अनियन गार्लिक के बिना खाना बनता है, बट टेस्ट इतना अच्छा होता है बस मैं क्या ही बताऊँ। तो ये है अभी का मार्केट का सीन। छोटा सा प्यारा सा मिनी मार्केट है, काफ़ी सारे हैंड बैग, छोटे मोटे कपड़ों की दुकान भी हैं। प्रसाद वाली दुकान तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पर आपको 10 से लेकर हाई प्राइस जितना भी आप चाहोगे उतना तक शायद आपको प्रसाद आपको मिल जाएगा, पर 10 रुपये से स्टार्टिंग जाते हैं प्रसाद। आप पापड़ भी है, सब कुछ है। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ जहाँ पर हमारी बस होगी। इट्स ऑलरेडी 4:35 और हमारी बस 5 बजे की है। चलो चलते हैं, अभी तक की जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही। काफ़ी चलने के बाद हमारा बस स्टैंड आ चुका है और हमारी बस है लक्ष्मी हॉलीडेज, तो हम बस चलेंगे अब 5 बजे बस खुल जाएगी। चलो चलते हैं। हम आ गए अपनी बस में, अभी तो काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। चलो अभी जाकर इंस्पेक्ट किया जाएगा। इसमें तो तकिया भी है, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। हाँ ये उससे काफ़ी बेटर है ना? यस मच बेटर, पिलो एंड एवरीथिंग इज गिवन। हाँ पिलो विलो सब दिया हुआ है भाई, सब कुछ है। तो हमें ये वाला काफ़ी कंफर्टेबल लगा जिससे हम आए थे उसके कंपेरिजन में, तो मजा आएगा जाने में। गाइस फाइनली हमारी बस खुल गई और हम निकल गए यहाँ से। बाय बाय माता रानी, बाय बाय, दोबारा जल्दी मिलेंगे। गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम रुके हैं एक ढाबा पर खाना खाने। तो हम जैसे ही बस में गए थे हम सब ऑलमोस्ट सो गए थे, बिकॉज सब के सब सो ही गए थे ऑलमोस्ट, क्या बिकॉज हम सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। इतना ज़्यादा हमने 2-3 दिनों में मेहनत करी कि हमारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं किया हम उठे। तो हमें आधे घंटे का टाइम मिला है, फटाफट हम वॉशरूम करने आए। वॉशरूम एज यूजल बहुत गंदा है, बट क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। एंड चलते हैं अब ढाबा में कुछ फटाफट खाते हैं एंड विल अगेन गो बैक। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारी जर्नी सुबह में 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगी और ये ब्लॉग भी उसके साथ खत्म हो जाएगा, ट्रैवल सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो अभी तो जर्नी बाकी है, चलते हैं साथ में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 5:45 और हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट आईएस बिटवीन दिल्ली। एंड हमारी बस ने हमें टाइम से 10-15 मिनट पहले ही पहुँचा दिया है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा ऑफिस कॉलेज वगैरह कुछ भी मिस नहीं होगा, हम टाइम पर चले जाएंगे। तो इस पूरी ट्रैवल सीरीज़ का सफ़र यहीं तक था। तो अगर आपको ये पूरी ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो वैष्णो देवी से रिलेटेड एक वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी जिसमें मैं वहाँ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। ताकि बाकी इस ट्रैवल सीरीज़ का एंड तो यहीं होता है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।